हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कांग्रेस का युवा शक्ति बेरोजगार युवा सम्मेलन को लेकर बहुउद्देशीय हॉल में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जालौर जिले के पूरे युवाओं द्वारा रैली के रूप में एकत्रित हुए। युवा शक्ति अच्छी शिक्षा अच्छा रोजगार हर युवा का है अधिकार के तहत बाहर से आए अतिथि देवेंद्र कादियान, राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रभारी राजस्थान युवा कांग्रेस, डॉक्टर पलक वर्मा राष्ट्रीय सचिव युवा कांग्रेस, अमरदीन फकीर प्रदेश उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस राजस्थान प्रधान जैसलमेर के मुख्य अतिथि में सम्मेलन का आगाज हुआ, जिसमें अच्छी शिक्षा अच्छा रोजगार को लेकर इन्होंने यह बताया कि रोजगार बढ़ाएंगे, कॉलेजों में सीटें ज्यादा, फीस कम, निःशुल्क सरकारी भर्ती फॉर्म्स, 3,500 तक मासिक बेरोजगारी भत्ता जरूरतमंद युवाओं को, ज्यादा महिला कॉलेज और सुरक्षित हॉस्टल, सस्ता आसान लोन, शिक्षा और व्यापार के लिए, इन सब को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में युवा लोग, महिलाएं, लड़कियां और युवा मौजूद थे। इस दौरान आमसिंह परिहान, पन्ने सिंह पोषाणा, शैलेंद्र सिंह बावतरा, लक्ष्मण सिंह सांखला, भरत जानी कार्यवाहक जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस जालौर के सानिध्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं युवा शक्ति मौजूद थी। युवा शक्ति बेरोजगार युवा सम्मेलन 4 तारीख को राजस्थान कांग्रेस कमेटी ने जयपुर में ये युवा शक्ति फॉर्म्स लॉन्च किए थे। इसके तहत कांग्रेस की अगर सरकार आती है तो जो युवा साथी ये फॉर्म अभी भरे गए, 25 तारीख तक ये फॉर्म भरे जाने हैं, जो साथी ये फॉर्म भरेंगे उसकी एक रसीद उनके पास रहेगी, एक हमारे पास रहेगी और ये डिजिटल तरीके से हमारे पास इनका रिकॉर्ड आएगा। और अगर हमारी सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आती है, तो ज़रूरतमंद युवाओं को 3,500 रुपये तक का मासिक भत्ता दिया जाएगा। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।